हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज हम फिर वापस वही ब्रिटिश लिटरेचर लेकर आए हैं। और इसमें कल हमने नॉवल देखा था, राइज ओरिजिन ऑफ नॉवल, एंड आज जो है पीरियडिकल लिटरेचर देखते हैं। क्योंकि 18th सेंचुरी अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपको पीरियडिकल लिटरेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो कि उस समय का सबसे प्रोमिनेंट लिटरेचर और बहुत ही पॉपुलर एक जॉनरा होकर उभरा था, तो नॉवेल के बारे में नहीं पता है, तो ये सारी चीज़ें फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से हम कल जो है नॉवेल देखे थे, आज जो है हम पीरियडिकल लिटरेचर देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है। सो पीरियडिकल लिटरेचर या पीरियडिकल एसे या पीरियडिकल लिटरेचर है क्या? पीरियडिकल लिटरेचर बेसिकली जो है उस पीरियडिकल एसे ही उसमें आता है। अब पीरियडिकल एसे एक इस तरीके की राइटिंग होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे एक सीरीज़ के फॉर्म में आपके सामने आती है पेपर के रूप में, ठीक है। It is typically published daily, weekly, monthly, quarterly and is referenced by volume and issues. मतलब कुछ issues के बारे में वो refer करता है एक journal में या column तरीके से, छोटा सा article type format में आता है वो। So periodical essay is a type of writing that is issued on a regular basis as a part of series in edition such as journal, magazines, newspaper. So I hope कि आपको ये clear हुआ होगा। फिर देखते हैं 18th century में मतलब क्या था, किस तरीके से ये फ्लरिश हुआ। तो 18th century is considered the great age of periodical essay in English, और इसमें जो notable periodical essayist हुए हैं वो हैं Joseph Addison, Richard Steele, Samuel Johnson, Oliver Goldsmith। स्विफ्ट का भी आता है, जोनाथन स्विफ्ट का भी नाम आता है इसमें। सो अब 18th century में तीन इम्पॉर्टेंट जॉनरा जो है फ्लरिश हुए थे इंग्लिश में, मतलब फाउंड हुए थे, टू बी फाउंड है ये मेरे से फंड लिखा गया है, सो सॉरी फॉर दैट। जॉनरा टू द फाउंड मतलब इंग्लिश लिटरेचर में तीन लिटरेरी जॉनरा निकल के आया था, और उसमें जो पहला था वो मोकैपिक था, ये भी हम देखेंगे। मोकैपिक इसमें फाउंड हुआ, राइज हुआ, नॉवेल हुआ एंड पीरियडिकल एसे। अब तीनों जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर इमिनेंस पॉपुलर हुए इस टाइम, मोक एपिक और नॉवेल। इवन अभी मतलब बियॉन्ड 18th century भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन जो पीरियडिकल लिटरेचर था या पीरियडिकल ऐसे था उसका ये था कि वो 18th century में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन जैसे ही 18th century ख़त्म होती है और हम रोमांटिक एज में आते हैं, तो वो धीरे धीरे उसका फैशन, उसका वो चला जाता है, उसका चार्म चला जाता है। तो वो हाउ एवर द पीरियडिकल एसे वॉज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल, इवन दो इट डिड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सेंचुरी, वो उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ 18th century में। तो उसके लिए कुछ स्टेटमेंट जो क्रिटिक्स का है वो ऐसा बोला जाता था कि जो मतलब ये जो लिटरेचर था, पीरियडिकल लिटरेचर था या पीरियडिकल एसे था, ये एक तरीके से मिरर का काम करता था। इट इज़ लाइक मिरर ऑफ दैट सेंचुरी, 18th century का मिरर था वो। अब बिगनिंग देख लेते हैं कि बिगनिंग ऑफ पीरियडिकल एसेज क्या हुआ। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइसेंसिंग एक्ट पास्ड इन 1647। अब ये लाइसेंसिंग एक्ट क्या था? लाइसेंसिंग एक्ट एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा था उसके ऊपर, मतलब आप क्या कहते हैं, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पे, मतलब एक तरीके का लाइसेंस रिस्ट्रिक्ट किया गया था न्यूज़पेपर को। फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज चेक्ड बाई दिस लाइसेंसिंग एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1647। और ये जो गवर्नमेंट थी उसका पूरा कंट्रोल हो गया था प्रेस पे। तो जब ये लाइसेंसिंग एक्ट ख़त्म होता है इन 1679, तो एक फ्रेश स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो गया प्रेस के ऊपर से। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज़ को दबा के रखे हुए और वहाँ से जब कंट्रोल हटता है तो कुछ नया चीज़ शुरू होती है, और यहाँ से फ्रेश स्टार्ट शुरू होता है। वैरायटी ऑफ पेपर सर्कुलेट होने लगते हैं, जिसमें से लंदन गैजेट का नाम आता है, और समवॉट लेटर इन 1710 एग्जामिनर अ ट्रॉय पेपर विच स्विफ्ट वॉज द मेन स्ट्रे एंड द विंग एग्जामिनर देन लार्जली कंट्रोल्ड बाई एडिसन। तो इस तरीके के न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड जर्नल शुरू हो जाते हैं, उसका ट्रेडिशन, उसका फैशन शुरू हो जाता है। देन 1690 में हमको एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कहा जाए अर्लियर पीरियडिकल एसे का फॉर्म देखना है, तो वो डेंटन का एथेनियन गैजेट के रूप में हमारे सामने आया, जिसको एथेनियन
मरकरी बाद में किया गया द ऑब्जेक्ट ऑफ विच वॉज टू आंसर द क्वेश्चन पुट टू द एडिटर बाय द पब्लिक. तो इसमें क्या करते थे कि ये लोग क्वेश्चन लेते थे पब्लिक से, जो जनरल पब्लिक थी, वॉट एवर द टॉपिक इज, और उसका ये आंसर दिया करते थे इस एथेनियन मरकरी में. These were all kind of question pertaining of religion, मतलब किसी भी तरीके का, love पे, religion पे, drugs पे, whatever the question is, they are trying to answer it. So, no question being too subtle or absurd to extract a reply from the conductor of the paper. So, these were the early attempt of journalism prior to Daniel Defoe, ठीक है? तो ये सारे attempt हुए आफ्टर मतलब जब लाइसेंसिंग एक्ट को ख़त्म किया गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आना शुरू हुई. फिर डेनियल डीफो ने सबसे पहले जो एक प्रॉपर स्टार्ट कहा जाता है पीरियडिकल एसे का, वो शुरू किया, और उनका जो मतलब जो जर्नल था या जो आया वो था द रिव्यू. सो रिव्यू मतलब रिव्यू गेव द स्टार्ट टू द पीरियडिकल एसे, ठीक है. डीफो वॉज एन एसेइस्ट मोर देन अ डिसाइपल देन द मास्टर ऑफ स्टील. इनको मतलब यहीं से स्टील और एडिसन मतलब जैसे जो एसेइस्ट हुए, पीरियडिकल एसे राइटर्स हुए, उनको इन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन मिला अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए. इन द सेम सेंस एज द लीडर ऑफ द मॉडर्न न्यूज पेपर आर एसेज, द रिव्यू वॉज ब्रॉट टू एन एंड इन 1712 में रिव्यू को ख़त्म कर दिया, मतलब एंड पे आ गया. द रिव्यू वॉज द फोर रनर of the Tatler and Spectator, ठीक है. फिर डीफो ने कॉन्ट्रीब्यूट किया नेस्ट्स में, फिर जनरल एंड एप्पल बीज, जनरल शोड द वे टू एडिसन एंड स्टील. तो ये इस तरीके से कहा जाए कि जो डेनियल डीफो का ये जो रिव्यू आया, एक तरीके से ये पाथ शोर था इन लोगों के लिए कि इस तरीके का भी कुछ जॉनरा आप इसमें कुछ अच्छा एक्सपेरिमेंट करके एक नए तरीके का फॉर्म आप पब्लिक के सामने रख सकते हो. तो ये चीज़ें जो एक तरीके से कहा जाए कि फोर रनर का काम किए टैटलर और स्पेक्टेटर के लिए, और एक नए तरीके का फॉर्म, एक नए तरीके का जॉनरा निकल के आता है 18th century में. अब इसका चीफ कॉज क्या था, क्या रीज़न था कि पीरियडिकल ऐसे इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया? सबसे पहले कि राइज ऑफ द मिडिल क्लास. राइज ऑफ द मिडिल क्लास बहुत ही प्रोमिनेंट एक कॉज है किसी भी, चाहे नॉवल के लिए, चाहे मोकेपिक के लिए, चाहे यही पीरियडिकल्स के लिए. इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 18th century इज रिमार्क फॉर द स्प्रेड ऑफ द डेमोक्रेटिक फीलिंग एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, एंड इट वॉज द लिटरेचर not of the selected few but of the middle class. तो ये जो periodicals थे, periodical essay थे, इन इस particular genre ने, चाहे novel नहीं, middle class पे focus किया, और ये जो था reason था कि ये काफ़ी ज़्यादा popular हुआ. Then Zane H. Jack ने कहा है, observe किया है, one principal reason for success of edition and steel was the fact that they kept the taste and requirement of their reader male and female constantly in the mind. अब ये देखिए middle class rise हो रहा है, वो अपने फॉर्म में आ रहे हैं, एक नया क्लास निकल के आया है, और ये जो पेपर्स थे, जो जर्नल आते थे, जो पीरियडिकल्स आते थे, वो अपने रीडर का बहुत ही ख्याल रखते थे. तो जाहिर सी बात है जो आपको चाहिए, अगर आपको वो चीज़ मिल रही है तो वो आपके बीच में पॉपुलर हो जाएगी, जिसका उस समय जिस तरीके की सोसाइटी है उसमें वो पॉपुलर होगी. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है कि मिडिल क्लास के राइज होने से, और इन पेपर्स का अपने रीडर के प्रति काफ़ी लॉयल होने की वजह से ये जो है पेपर्स पॉपुलर हो जाते हैं. देन ब्रेविटी ऑफ द पीरियडिकल ऐसे, ब्रेविटी मतलब होता है शॉर्टनेस, वो छोटे छोटे पार्ट में आते थे, बहुत लेंदी नहीं होता था. तो ये था कि जो रीडिंग पब्लिक थी 18th century की, उनका डिमांड था कि ईजियर रीडिंग आए, क्योंकि दे आर नॉट वेरी स्कॉलरली पीपल, ये आम लोग थे जो कि मतलब बेटर इकोनॉमिकल कंडीशन होने की वजह से एक लाइमलाइट में आ गए थे. तो इनको चाहिए था कि कुछ ईजी पढ़ने के लिए, ठीक है, बहुत ईजी हो, एंटरटेनिंग हो. एंड दिस पीरियडिकल्स वर नॉर्मली कवर्ड नॉट मोर देन द टू साइड ऑफ द फोलो शीट्स, हाफ क्वाइट ऑफ एन इट वॉज इवन शॉर्टर, मतलब ये छोटे छोटे होते थे, तो इसको मतलब बहुत टाइम नहीं लगता था पढ़ने में, एंड इट वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग टू. सो ये एक रीज़न था इनका पॉपुलर होने का, क्योंकि ये जिस्ट बहुत ही छोटे में और बहुत ही डेफ्थ वाले थे, जो कि आपको चाहिए वो चीज़ बहुत छोटे में आपको मिल रही थी. तो ये एक और दूसरा रीज़न था कि पीरियडिकल्स इतने पॉपुलर हुए. तीसरा ये था द फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द 18th century सोसाइटी. अब जेन एच जेक का ऐसा रिमार्क है, अ मॉडर्न रीडर, अगर हमें और आपको विशेस टू ब्रीथ द एटमॉस्फेयर ऑफ 18th century, अगर हमें और आप, हम जैसे लोगों को अभी जो सोसाइटी है, अगर हमें 18th century को ब्रीथ करना है, तो हमें अपने को
उस समय के जर्नल्स पीरियोडिकल्स पे अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं तो वो चीज़ वो फील हम ले सकते हैं कि किस तरीके की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी की. तो इसका ये मतलब हुआ कि द स्पेक्टेटर, द टैटलर, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे जो फ्यू इम्पॉर्टेंट जर्नल हुए हैं, पीरियोडिकल्स हुए हैं, इन इन सब में जो 18th सेंचुरी है उसके एवरीडे लाइफ को बहुत ही मतलब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ प्रेजेंट किया गया. तो ये एक तरीके का मिरर, फेथफुल रिफ्लेक्शन है और मिरर है 18th सेंचुरी का. Then suited to the moral temper of the age. चौथा important reason था इनके popular होने का. Main reason for the success of periodical literature in 18th century lies in the fact that it suited the moral temper of the age. ठीक है, moral temper, उनका moral temper को ये काफ़ी ज़्यादा suit करता था. The essential moral intention of Edison and Steele is revealed in the 10th number of the Spectator, where Edison echoes Cesario's description of mission of Socrates. तो इस तरीके से जो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनके मॉरल टेम्परामेंट पे फोकस किया और इन लोगों ने डायरेक्ट मतलब काफ़ी अटैक किया है उस समय के सोसाइटी के जो गैम्बलिंग था, ड्रिंकिंग था, इन सब चीज़ों पे, या ट्रिविलिटी ऑफ लाइफ, फॉलीज ऑफ ड्रेस, मैनर्स. सो इन सब चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से अटैक किया है. तो ये सब चीज़ें जो है हमें ये बताती हैं कि ये पॉपुलर होने का ये रीज़न था. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न था पीरियोडिकल्स के पॉपुलर होने का 18th सेंचुरी में कि अपील टू द वुमेन. अर्लियर जो लिटरेचर्स थे वो मेल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के लिखे जाते थे या उन्हीं को फोकस करके लिखे जाते थे, क्योंकि उनका जो राइटर्स था उनका ऐसा मानना था कि जो मैक्सिमम पब्लिक, जो रीडर है वो मेल है. लेकिन पीरियोडिकल्स ने ऐसा नहीं किया. पीरियोडिकल्स एसेज रोट बोथ फॉर वुमेन एज वेल एज मैन. ठीक है, उन्होंने अपने लिटरेचर में दोनों को जगह दी, मेल को भी, मेल पर्सपेक्टिव को भी जगह मिली और फीमेल पर्सपेक्टिव को भी जगह मिली. दस वन द इंटरेस्ट एंड द सिंपथी द फेयर सेक्स. और इस वजह से दोनों जो सेक्सेस थे, मैन मेल एंड फीमेल, उन दोनों की सिंपथी और इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर जो वर्क था, पीरियोडिकल एसेज का जो वर्क था, उसमें इनका बना रहा. सो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था कि इनकी जो पब्लिक थी, इनका जो रीडर था, ये वाइड हो गया था. दे आर नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द मेल पर पॉइंट ऑफ व्यू, बट दे ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस to the female points of view also. So ये एक बहुत बड़ा reason था. Then sixth important, अगर हम बात करें periodicals के rise होने का, is the rise of trade and commerce. Trade and commerce, जैसा कि हमें पता है कि 18th century England में बहुत rapid progress हुआ और जो न्यू मर्चेंट कम्युनिटी थी वो लाइमलाइट में आती है. और जो पीरियोडिकल एसेस्ट हुए वो स्पेशली अपने रीडर्स का ख्याल रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने एसे में इंटरेस्ट शो किया ट्रेड के ऊपर भी. तो ये भी एक रीज़न कहा जाता है इनके पॉपुलर होने का. देन द स्टाइल ऑफ द पीरियोडिकल एसेस्ट. अब स्टाइल ऑफ द पीरियोडिकल एसेस्ट किस तरीके का था, इनकी स्टाइल क्या थी, इनका जो लैंग्वेज था, मतलब स्टाइल इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पॉपुलर करनी है तो उसको बहुत ही ईजी और बहुत ही डे टू डे लैंग्वेज में लिखना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और अगर कोई चीज़ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है और लोग उसको पसंद करना शुरू करते हैं तो वो पॉपुलर हो जाती है. तो इसका स्टाइल भी कुछ उसी तरीके का इन लोगों ने रखा. द पीरियोडिकल एसेज रोट इन अ सिंपल, क्लियर, कंजर्वेशनल स्टाइल टू बी अंडरस्टूड बाई देयर सेमी एडुकेटेड एंड अनस्कॉलरली रीडर्स. उन्होंने अपनी जो भाषा रखी, अपना जो लैंग्वेज रखा, अपना जो स्टाइल रखा, वो इतना सिंपल रखा कि उसको हर तबके का लोग पढ़ के उसको समझ सके. दूसरा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विटी, जो विटीनेस है या इंटेलेक्चुअल है या कंसीट है, विम्स हैं, हार्श वर्ड्स हैं, उसको इन्होंने काफ़ी अवॉइड किया है. रीज़न क्या था, क्योंकि दीज काइंड ऑफ थिंग्स कुड नॉट बी अप्रिशिएटेड बाय द मिडिल क्लास एंड द फेयर सेक्स हु वर अमंग द मेन रीडर ऑफ द पीरियोडिकल एसेज. सो दे टोटली टेक केयर ऑफ द टेस्ट ऑफ देयर रीडर्स. ठीक है, इन्होंने बहुत ध्यान से उस काम को किया है. फिर जो एसे की स्टाइल थी वो मिडिल स्टाइल थी. अब मिडिल स्टाइल का ये मतलब हुआ कि काफ़ी पॉम्पीनेस नहीं था, हाई साउंडिंग एंड डिग्निफाइड स्टाइल नहीं था, मतलब बहुत स्कॉलरली स्टाइल नहीं रखी है. उन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही ल्यूसिड मैनर में अपनी बातों को रखा है, इसलिए इसको मिडिल स्टाइल कहते हैं कि वो चीज़ें जो सबको समझ में आए, वो जो जॉनरा था ये सबके लिए था.
आप कुछ इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल लिटरेचर की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डेनियल डीफो का द रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल निकल के आता है अर्लीस्ट पीरियोडिकल लिटरेचर का. देन रिचर्ड स्टील का टैटलर जो कि 1709 में आया, ये 3 times अ वीक आता था और इसको इन्होंने एंड किया 2 January 1711 को. इसमें एडिसन ने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है लेकिन प्राइमरली पूरा कंट्रीब्यूशन स्टील को जाता है क्योंकि उन्होंने इस पर ज़्यादा काम किया. फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एडिसन एंड स्टील का द स्पेक्टेटर पेपर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है जो कि 1711 में आया एंड ये डेली आता था. एंड द फर्स्ट जो इसका इशू हुआ वो था March 11, 1711. देन इसके बाद स्टील ने द गार्डियन करके एक निकाला और गार्डियन के बाद इन्होंने गार्डियन के बाद इन्होंने इंग्लिशमैन करके भी एक निकाला था. आई होप कि द इंग्लिशमैन इन्हीं का है, मैं क्लियर करके बताऊंगी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया. तो द इंग्लिशमैन करके भी एक जर्नल आया था. फिर स्विफ्ट का जो है वो जर्नल ऑफ स्टेला जो कि 1710 से 1713 के बीच में आया. देन जॉनसन का, डॉक्टर जॉनसन का, उनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था द आइडलर जो कि वॉज कंट्रीब्यूटेड टू अ न्यूज़पेपर. फिर एक द यूनिवर्सल क्रॉनिकल, ये भी करके आता है इनका. उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ निकाली, द रैम्बलर. द रैम्बलर को जो है वो 2 times a week आता था, बिटवीन 20 March 1750 से 14 March 1750 के बीच में, और ये 208 numbers of time ये रन हुआ. फिर जो लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पीरियोडिकल एसेइस्ट हैं या एग्जाम्पल है वह हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ. इनका बी करके आया जो कि 1759 में आया, रन टू ओनली 8 weekly numbers, मतलब 8 weekly numbers ही ये चला, उसके बाद बंद कर दिया गया. और जो दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट पेपर आया वो था जिसको बेस्ट माना जाता है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड जो कि 1762 में आया. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे पीरियोडिकल लिटरेचर के, और ये सारे ऊपर जो हैं वो मैंने रीजंस दिए हैं कि क्यों ये पॉपुलर हुए एंड व्हाट इज़ द पीरियोडिकल एसे, ये भी मैंने बताया है. सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके लिख के बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैं वो डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. और अगर मिस्टेक हो गई हो मुझसे कहीं कोई चीज़ तो प्लीज़ वो भी लिख के बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर मेरे गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं, तो वो भी चीज़ रहेगी. और कुछ जो कमेंट्स आ रहे हैं, अभी मैं थोड़ी बिजी चल रही थी इसलिए मैंने आपके कमेंट्स को थोड़ा मतलब आपको लग रहा होगा कि अवॉइड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उस पर काम कर रही हूँ. आपके जितने भी क्वेरीज रहेंगे वो मैं धीरे धीरे आप तक पहुँचा दूँगी. सो इसी के साथ ये पेपर ये जो वीडियो था ये यहीं मैं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड, और डोंट वरी, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी वाया वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल.